11 और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दो चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने महिंद्रा थार, ये इसका AX ऑप्शनल वेरिएंट है, मतलब कि एकदम बेस मॉडल है इसका ये। और ये आपको दिखा देते हैं, ये है इसका रेयर व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है। आप देख सकते हो RWD यहाँ पे लिख के आता है और स्टील व्हील्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने हाथ में 12.5 लाख रुपए लेके घूम रहे हो ना, और 12.5 लाख में आपका यूजेज ऐसा है कि भाई मैं अकेला चलता हूँ या फिर मैक्स टू मैक्स दो बंदे गाड़ी में चलते हैं, और गाड़ी ऐसी चाहिए कि भाई मतलब बंदे मुड़ के देखें, तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग आपको बताता हूँ, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 10,54,000 आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है दिल्ली फरीदाबाद में, और ऑन रोड कीमत की बात करें ऑलमोस्ट 12.5 लाख तक ये चली जाती है, मतलब कि 12.53 लाख रुपीज ये इतने हैं इसके एग्जैक्ट जो है ये ऑन रोड प्राइस इसका दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे 2023 में अपडेट होने के बाद क्या क्या चीज आपको ऑफर देती है RWD थार, मतलब कि रेयर व्हील ड्राइव थार, जो कि बेस मॉडल के साथ है, मतलब बेस मॉडल साथ के है, बेस मॉडल ही है, क्या क्या चीज ऑफर कर देती है वो बताते हैं। तो ये मतलब मान के चलो भाई एक ड्रीम है, बहुत सारे बंदों का ड्रीम है जिनको गाड़ियां पसंद होंगी, जिनको ट्रैवल करना पसंद है, और जिनके लिए भाई उनकी गाड़ी पहला प्यार है ना। हाँ भाई, की गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो भाई मन करता है बार बार गाड़ी को पीछे मुड़ के देखने का। तो ये उन बंदों के लिए भाई मतलब ये लगा लो जन्नत है गाड़ी। अब क्या ही एक्सप्लेन करूं उससे ज्यादा, कोई भी टीनेजर ऐसा नहीं होगा जिसको थार पसंद ना हो। ब्लैक कलर की बात हो तो भाई डेफिनेटली ये पहली पसंद बन जाती है। और अब ये उस प्राइस कैटेगरी में भी आ चुके हैं कि हाँ भाई बंदा सोच सकता है इसकी तरफ जाने के लिए कि हाँ भाई 12.5 लाख रुपए ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट रुतबा तो है गाड़ी का। तो क्या क्या चीजें मिलते हैं उस रुतबे को बनाने के लिए, उनकी बातचीत करते हैं। चाबी स्टार्ट करें तो दो चाबियां आती है, पहली चाबी पे आपको डोर को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, और यहां से ये बजर वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। और सेकंड की जो है वो आपको नॉर्मल सी मिलती है, इसमें कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे फ्लिप की आएगी बेसिकली इस तरीके की, तो इससे स्टार्ट होगी गाड़ी। और इसको रख लेते हैं अभी पॉकेट में, प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या है। तो ये है इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। फ्रंट से आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप मॉडल तक ये हेलोजन सेटअप ही देखने के लिए मिलता है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। ग्रिल अगर आप यहाँ से देखते हो ना, ये देखो, कोई ये भी नहीं कह सकता ये बेस मॉडल इसका, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट इसके साइड से, क्योंकि इसमें आते हैं स्टील व्हील, तो उसकी वजह से पता चल सकती है, बाकी अदरवाइज नहीं पता चलेगी। यहाँ पे देखोगे तो पार्किंग बल्ब है येलो कलर का, और टॉप मॉडल में आप जाते तो यहाँ पे वो DRL टाइप सी आ जाती है, हेलोजन बेस यहाँ पे इंडिकेटर है, और ग्रिल वगैरह सारी चीज सेम है। महिंद्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, थार का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सामने बम्पर पे, और ये आप देख सकते हो नीचे लेआउट्स वगैरह मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स के लिए आप चाहो तो यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो, आते नहीं है। तो ये थी फ्रंट की बातचीत, साइड में आते हैं। साइड में देखोगे तो क्लैडिंग वगैरह काफी थिक आती है, एज इट इज, जैसे टॉप मॉडल में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर है इस फेंडर के ऊपर ही, मतलब इस क्लैडिंग के ऊपर बेसिकली, और इस फेंडर पे आपको थार लिखा हुआ मिलता है जो कि क्रोम में है, और ब्लैक कलर के ऊपर देखो अलग से दिखता है थार एकदम क्रोम का। टायर सेक्शन की बात करते हैं, सीएट के यहाँ पे टायर्स मिलते हैं आपको। टायर सेक्शन जो मिलता है आपको वो मिलता है 245/75R16 16 इंच के कुछ ऐसे आते हैं स्टील व्हील, बीच में महिंद्रा का छोटा सा कैप देखने के लिए मिलता है, और ये कुछ इस तरीके के स्टील व्हील हैं, इनके ऊपर कोई व्हील कैप वगैरह नहीं आती है। और अगर आपको ऐसा है ना कि आपकी दिखे ना गाड़ी की आपने बेस मॉडल लिया और आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इसमें चाहिए, तो भाई मैं डेफिनेटली इसको मतलब रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको जस्ट अलॉय डलवाने और स्टीरियो डलवाना, और ये रेडी टू गो, चलने में दिक्कत अब भी नहीं आएगी वैसे, बट टॉप मॉडल जैसी लगने लगेगी। या फिर आपको कुछ ऐसा वेरिएंट चाहिए ना, आपको अपने हिसाब से काम कराना है, तो भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है भाई गाड़ी की। और ये चीजें थोड़ी चेंज मिलती हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में जो फुटरेस्ट आता है वो ऐसा नहीं आता है, ये मेटल का है प्रॉपर, ये कुछ इस तरीके का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे थार मेंशन है, मैं आपको बता दिया। ORM जो है मैट ब्लैक कलर के हैं, और ये जो डोर हैंडल्स हैं ये भी मैट ब्लैक कलर के हैं। यहाँ से डलेगी इसके अंदर चाबी, वैसे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि चाबी के ऊपर वो आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है इस वाले वेरिएंट में खासतौर पर, तो आप सेंटर लॉकिंग के थ्रू इसको खोल सकते हो। बाकी पीछे की साइड आओगे तो सारी चीज आपको एज इट इज दिखेंगी, एक इस चीज को छोड़ के यहाँ पे रेयर व्हील ड्राइव का मार्क आ जाता है। अब इस प्रोफाइल के साथ भी आप देख सकते हो, वो तो आपने देख ली होगी, जो टॉप मॉडल थार है जिसके अंदर अलॉय वगैरह सारी चीजें मिलती हैं टॉप नोच की, और वहां पे रेयर व्हील ड्राइव भी मेंशन मिलता है। बट बेस मॉडल के अंदर भी आप देख लो, रेयर व्हील ड्राइव थार का ये वाला ऑप्शन जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब इस फेंडर पे आपको पीछे वाले फेंडर पे रेयर व्हील ड्राइव का मार्क देखने को मिलेगा, और ये स्टील व्हील वगैरह आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी पीछे की साइड आते हैं तो हार्ड टॉप वाला वेरियंट है, तो इसके ऊपर देख सकते हो पूरा हार्ड टॉप दिया हुआ है, बहुत सॉलिड। यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर नहीं आता है यहाँ पे, एज इट इज मिलता है स्टील व्हील, जैसे कि चारों के चारों स्टैंडर्ड टायर हैं, उसी टायर सेक्शन का ये भी देखने के लिए मिलता है। सीएट का ही टायर है, 245/75R16 सेम टायर सेक्शन के साथ है। टेल लैंप्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं, बीच में थार मेंशन है यहाँ पे, यहाँ से चाबी डाल के आप अपना बूट भी खोल सकते हो, और ये आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे जस्ट एक डोर लेवर दिया हुआ है और थोड़ी बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, और कुछ इस तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो अगर आपको ये यूज करना हो तो। ये आप देख सकते हो, ये है जी कुछ इसका ओपनिंग एंगल, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे आ जाएगा, बाकी अभी इसको बंद कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और
इसको भी बंद कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, दो पार्किंग सेंसर्स भी हैं और रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं आता है। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है और यहाँ से डलेगा इसके अंदर डीजल। मतलब कि इसके अंदर टॉप मॉडल में भी ये चीज़ आती है कि आपको चाबी से ही अपना फ्यूल लिड खोलना पड़ेगा, तब यहाँ से डीजल डलेगा। तो एक चीज़ है और कुछ इस तरीके की मिलती है इसकी प्रोफाइल। और एक सेकंड, अभी चलते हैं इसके अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि इस रियर व्हील ड्राइव थार के बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। डोर पैनल की बात करें तो ये देख लो, डोर पैनल पे ज्यादा कोई खास कंट्रोल्स मिलते नहीं है, बेसिक सा डोर लेवर है। थार यहाँ पे मेंशन है, ORMs के कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, हाथ से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। बोट रोलिंग स्पेस मिल जाती है यहाँ पे, 6-way मैनुअल एडजस्टेड सीट आती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो। और ये लेदर सीट्स हैं क्योंकि ये ऑप्शनल वाला वेरियंट आई थिंक उसकी वजह से, ये आप देख सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है, कंट्रोल्स मिलते हैं आईडी स्टार्ट शो वाले, इस MID के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइट लेवलिंग डायल आ जाता है यहाँ पे। और नीचे की साइड आप देखोगे तो तीन पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच डेड पैडल वगैरह की कोई खासी प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं मिलती है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं और अंदर से देखते हैं कि चीज़ें मतलब किस तरीके से रिएक्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें क्या क्या तरीके से आपको शो होंगी, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो ये है इसकी चाबी, ऑन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये मैंने क्लच पे पैर रखा, अब स्टीरियो वगैरह तो यहाँ पे है नहीं तो ये ऑन नहीं होगा एक बार चाबी घुमाने पे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर देता हूँ ताकि AC इसका चल जाए, थोड़ा भाई राहत मिले, हमें भी बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर। और यहाँ से डलेगी चाबी, ये आप देख सकते हो यहाँ से, और इसके चारों तरफ आपको रिंग लाइट से जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती ही है। और ये मैंने चाबी डाली, एक बार घुमाया, ये ब्लोअर वगैरह ऑन हो जाते हैं बेसिकली अगर एक बार चाबी को आप घुमा देते हो। ये देख लो कुछ इस तरीके से क्लस्टर वगैरह यहाँ पे ऑन हो चुका है और इसको एक बार हम ऑन ही कर देते हैं। ये लो भाई, एक SUV वाली जो वाइब है ना वो आती है इसके अंदर लिटरली, मतलब हिलती है ना ये बहुत जबरदस्त तरीके से। और एक सेकंड, ये ब्लोअर वगैरह की स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ ऑन हो चुकी है और ये आप देख सकते हो बहुत बढ़िया। एक ऑफ रोडिंग SUV होने के हिसाब से स्टेयरिंग के अंदर वेट काफ़ी अच्छा खासा मिलता है इसके अंदर। बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे 7000 तक की RPM है, 180 की टॉप स्पीड मार्किंग है। बीच में MID आती है जिसमें आप देखोगे टेम्परेचर, फ्यूल और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी से रिलेटेड सब यहाँ देखने के लिए मिलती है आपको। और ये न्यूट्रल खड़ी हुई है तो यहाँ पे N बन के आ रहा है फिलहाल और ये कितने किलोमीटर चली है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती रहती है यहाँ पे। और इमरजेंसी लाइट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इधर उधर ब्लिंक करेंगे जब भी कुछ होता है। तो यहाँ पे आते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्टेयरिंग व्हील भी आपको देखने के लिए मिलता है, इस पर कंट्रोल्स वगैरह तो नहीं है बट एयरबैग का मार्क देखने के लिए मिल जाता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, ऊपर की साइड देखोगे तो ये कॉलम जो है ये आपको खाली मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो नहीं है और आई थिंक अभी इंस्टॉल होने हैं इसके अंदर, इसलिए इसकी कवरिंग जो है वो निकाली हुई है, जो इसका ऊपर का जो नेट होता है ना वो निकाला हुआ है क्योंकि इसके अंदर आई थिंक इंस्टॉल जरूर होंगे वो, इसलिए निकाला हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो व्हाइट लाइट मिलती है एक, जो कि आगे वाली और पीछे वाली दोनों रो के लिए कॉमन है। और ये कुछ इस तरीके से इसका हेडलाइनर है, पूरा का पूरा ब्लैक, मतलब बेसिकली प्लास्टिक ही हेडलाइनर तो क्या ही है। और हार्ड टॉप है एकदम, इसी को हार्ड टॉप बोलते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे भी और इधर साइड में दिया हुआ है। और पीछे आप देख सकते हो ये बार्स वगैरह कुछ इस तरीके से, सीट्स आप देख सकते हो स्टेट सीट्स मिलती हैं और इनके ऊपर भी लेदर रैपिंग वगैरह मिल जाती है, आर्मरेस्ट वगैरह है। और ये आई थिंक ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये नहीं आएगा इसके अंदर, कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल हो भी चुकी हैं आई थिंक, शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ उन चीज़ों को लेकर तो इसलिए आपको नहीं बताऊंगा उनके बारे में। तो ये है जी सारी चीज़ें। बाकी ऊपर साइड यहाँ देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, अपना वार्निंग का स्टिकर लगा हुआ है, मैनुअल डिमिंग IRVM है। इधर साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है और ये देख लो डैशबोर्ड का व्यू, सारी की सारी चीज़ें ब्लैक मिलती हैं। तो जिस कैटेगरी की गाड़ी है ना वहाँ पे ये इंटीरियर ज़्यादा सूट करता है क्योंकि मेंटेन करना ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप जिस तरीके से गाड़ी को चलाओगे ना इसका गंदा होना लाजमी है भाई, तो आप कब तक इस पे ऐसे कपड़ा मारोगे भाई। बेज इंटीरियर होगा तो आपको पता है सीधी सी बात है 2-3 महीने में इतना गंदा हो जाएगा कि आपका मन बढ़ जाएगा इससे, इसलिए ऑल ब्लैक इंटीरियर है ताकि मेंटेन करने में ज़्यादा झंझट ना हो और आप सिंपल ऐसे हाथ मारो गाड़ी क्लीन। और यहाँ पे अपना ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये कॉलम आपको खाली मिलता है, यहाँ पे थार लिखा हुआ मिलता है आपको, आप चाहो तो कुछ भी आप इंस्टॉल करा सकते हो अपने हिसाब से। AC वेंट्स हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के, इनके ऊपर ग्लॉसी टिम्स वगैरह हैं, कार्बन फाइबर जैसे यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है। AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे और ये कुछ कंट्रोल्स और मिलते हैं जैसे कि पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, सीट बेल्ट रिमाइंडर और यहाँ पे हजार लाइट के बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ये सेंटर लॉक कुछ इस तरीके से। थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव थार है, तो यहाँ पे दूसरा जो गियर नॉब आता है अपना 4x4 को इंगेज करने के लिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है आपको। आगे की दो पावर विंडोज भी मिल जाती है और ये एक्सेसरीज का पार्ट है डेफिनेटली बता सकता हूँ मैं आपको। और ये कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो आर्मरेस्ट अपना,
बट इसको इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कप होल्डर जो है आपके यूज हो जाते हैं, तो आप उन्हें यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि उन्हीं के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो डिसेंट सी स्पेस मिलती है, मतलब थोड़ा वो सामान आपका यहाँ पे आ जाएगा। और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की यहाँ पे एक कप प्लेट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिसपे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो ये एक ट्रेडमार्क टाइप कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये है ओवरऑल सारी चीजें। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। और यहाँ की स्पेस तो आपने देख रखी है भाई, नॉर्मल सी है, दो बंदे आराम से बैठ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आगे भी इंजन दिखाते हैं इसका कि इंजन कैसा मिलता है रियर व्हील ड्राइव थार के अंदर, और क्या पावर फिगर्स हैं उसकी, और कैसी हैं सारी की सारी चीजें, वो सारी चीज चेकआउट कर लेते हैं। और अभी चलते हैं डायरेक्ट के इंजन की तरफ। सो बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि ऑलमोस्ट डेवलप करता है 116 bhp और 300 nm का टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 9-10 के बीच की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बाकी ये है आपके सामने पूरा इंजन कंपार्टमेंट। और भाई जब ये स्टार्ट होती है ना, तो एक जो मजा आता है ना, एकदम जो वाइब्रेशन यहाँ से डीजल इंजन स्टार्ट होने की, तो वो इसके अंदर है भाई, एकदम रगड़े सी वाली बातचीत वो इसके अंदर है डेफिनेटली। आप स्टार्ट करोगे, ऑफ करोगे, तो एकदम से जो हिलाती है ना आपको, वो मजेदार सी चीज फील होती है। और इसके बहुत ज्यादा हैं लोग चाहने वाले, बहुत को नहीं भी पसंद आती है चीज की भाई इतनी वाइब्रेशन क्यों करती है, बट बहुत लोग एसयूवी इसीलिए लेते हैं कि भाई ये वाला मजा जरूर आना चाहिए गाड़ी के अंदर। जैसे कि स्कॉर्पियो को लोग बॉडी रोल होने के बावजूद भी इतने नेक्स्ट लेवल पे लोग प्यार करते हैं उसको, तो वो अपना अपना स्टांस है गाड़ी का। बाकी इसके अंदर वो बातचीत है, और एक सेकंड में से बंद कर लेते हैं और फिर मिलते हैं एक सेकंड में ही। सो ये थे आपके सामने महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव, मतलब 4x2 आप इसे कह सकते हो। डीजल में थी, AX ऑप्शनल था इसका वेरिएंट। और ये आप देख लो जिस तरीके से यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव थार का इसको मार्क भी मिलता है RWD का। और ये कुछ इस तरीके से इसकी ओवरऑल प्रोफाइल। कैसी लगी वीडियो, क्या राय है आपकी इस गाड़ी के बारे में, और कौन कौन इस गाड़ी को मतलब अपना ड्रीम मान के बैठा है भाई, कि कभी ना कभी जब पैसे इकट्ठे हुए तो थार तो जिंदगी में एक बार लेनी ही है। तो प्लीज जरूर लाइक कर दो बंदे वीडियो को, और बताना कि थार आपकी नजर में कहाँ स्टैंड करती है ओवरऑल सभी गाड़ियों को देखा जाए तो बताना। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।